बच्चे हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ PYQ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो PYQ हैं वो क्या क्या हैं, देखो बेटा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 2016 में, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखिए बच्चे थोड़ा सा। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो आगे आके साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एब्सेसिक एसिड और ऑक्सिन, ये क्या है बच्चे, ये आपको पता है, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ रेगुलेटर हैं और कुछ इनहिबिटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जो साइटोकाइनिन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किस में होता है, सेल ग्रोथ में होता है। साइटोकाइनिन का सबसे इम्पॉर्टेंट किस में है, सेल ग्रोथ में। फिर एथाइलिन का क्या रोल रहता है, एथाइलिन का जो रोल रहता है बच्चे, एथाइलिन का रोल होता है कि वो लीफ की सक्सेशंस को प्रिवेंट करता है, सेनिसेंस को देखता है, ठीक है। एथाइलिन जो होता है वो सेनिसेंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर हम लोग एब्सेसिक एसिड की जब बात करते हैं, तो एब्सेसिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, सीड डेवलपमेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सेसिक एसिड क्या कर रहा है, सीड डेवलपमेंट कर रहा है। और ऑक्सिन जो होता है, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो रूट टिप और शूट टिप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास इसका ये स्ट्रेट आ जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ए का क्या आएगा हमारा, ए का हमारे पास आएगा 3 और बी का हमारे पास आएगा 1, ठीक है, और सी का हमारे पास आएगा 2, सी का हमारे पास आएगा 2 और डी का हमारे पास आएगा 4, डी का हमारे पास आएगा 4, ठीक है। तो ये वाला कॉलम आप लोग मैच कर सकते हो, किसके साथ मैच कर रहा है, A3, B1, C2, D4, ठीक है बच्चे। तो इसका ये आंसर है। तो इसके प्रॉपर करेक्टरिस्टिक आप लोग डिस्कस करोगे, फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन नेचुरल हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हार्मोन्स, कौन सा ऐसा सेट है जिसको हम लोग नेचुरल हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। 2,4-D है ना, ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, किस में आएगा, ये हमारे ऑक्सिन में होगा और ये आ गया जिबरेलिन में, ठीक है। अच्छा, ये नेचुरल हार्मोन है नहीं, साइटोकाइनिन 2,4-D, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। अच्छा, इंडोल एसिटिक एसिड, जियाटिन और एब्सेसिक एसिड, दीज आर नेचुरल हार्मोन्स, ये बिल्कुल याद रखना आपने कि इसको हम लोग नेचुरल हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको कोई पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 2017 में जो पूछा है, क्या क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, फ्रूट्स के ड्रॉप और लीफ के ड्रॉप के लिए अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा बच्चे, अर्ली स्टेज, आपको पता होना चाहिए कि लीफ के फॉल को और फ्रूट के फॉल को कौन अर्ली स्टेज पे प्रिवेंट करता है। तो इथाइलिन तो नहीं है बच्चे, जिबरेलिक एसिड भी ग्रोथ स्टार्ट की करवाता है, ऑक्सिन जो है वो अर्ली फॉल से प्रिवेंट करवाता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है, और जो फ्रूट एंड लीफ के अर्ली स्टेज को प्रिवेंट कर देता है ड्रॉप होने से, वो हमारा ऑक्सिन कहलाता है, ठीक है बेटा, ठीक है। और एक और 2017 का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे इसमें क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है बच्चे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर एथाइलिन, तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि प्रमोट हॉरिजेंटल ग्रोथ इन सीडलिंग, ये तो नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट बताना है ना हमने, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, सिंक्रोनाइज करवाता है फ्रूट सेट को इन पाइनएप्पल में। और दूसरा क्या था, नॉट हेल्प टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ प्लांट्स, सामने दिख रहा है ये गलत है, ठीक है। और ब्रेक सी डॉर्मेंसी एंड बड डॉर्मेंसी, ठीक है, सी डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा और बड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करेगा। तो इसमें जो हमारा नॉट करेक्ट है वो ये वाला स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू किसके, एथाइलिन के, ठीक है बच्चे, हो गया ये वाला, ये 17 का PYQ है। अब आप लोगों ने क्या क्या करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चे, कुछ क्वेश्चन हैं जैसे हमारे पास, इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, जो PYQ हैं, जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन बच्चे, अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, है ना, तो आप लोग क्या बोलोगे, स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, एथाइलिन को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा,
ये बोल रहा है कि टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स, तो कैसा होता है? हाँ, टिपिकल ग्रोथ कर्व जो होती है स्टेयर स्टेप शेप्ड होता है। कैसा होता है? स्टेयर स्टेप शेप होता है जो टिपिकल ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपने सॉल्व करने, मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड कर दूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।